अल्लाह जुल जलाल फरमान देने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। मैं कुर्बान जा एडा प्यारा अंदाज ते एडा इंसान नाल प्यार रब्बुल आलमीन ने चार कसमां उठाइया ने। किन्निया कसमां? हौली हौली बोल दो, किन्निया कसमां? रोटी शोटी खाने का टाइम है लेकिन तुहानू रिजवान साहब ने मौलवियां अगे फसा छड़िया। ते चलो इंशाअल्लाह वदी नू डर कोई नहीं। अल्लाह हजरत फरमा रहे ने भी इत्थे ही काम फब जाएगा इंशाअल्लाह, घर जाने की जरूरत नहीं। ते तवज्जो बहरहाल मेरे वर रखो, जिन्नी देर तक बैठो अल्लाह जुल जल या इंज कह लो ना कि इंसान की गजा दो गजावां ने इंसान की, एक रूह की गजा है एक जिसम की गजा है। रूह की गजा अल्लाह का कुरान है, वह तुहानू मैं इंशाअल्लाह पेश करना। ते जिसम की गजा चौल शौल ने रोटी शोटी ये तुहानू ये अता करनगे मुहैया करनगे इंशाअल्लाह, दोवें शैवां लभ जाणगियां। तवज्जो फरमाओ, रब्बुल आलमीन का कुरान ऐलान फरमा रहे है। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने वत्तीन, मैनू तीन दी कसम है, मैनू जैतून दी कसम है, मैनू तूरे सीना दी कसम है, ते महबूब मैनू तेरे प्यारे शहर दी कसम है। हुण तुसी अंदाजा फरमाओ शेहूपुरियो के जिदे शहर नाल रब नूं इन्ना प्यार है उहदी जात नाल रब नूं किन्ना प्यार होएगा। सुभान अल्लाह, जिदे शहर नाल अरश वाले नूं इन्नी मुहब्बत है उस हस्ती नाल अल्लाह जुल जलाल नूं किन्ना प्यार होएगा। तो रब्बुल आलमीन कसमां उठा रहे ने, अल्लाह असी ते तुहाडा हर फरमान बगैर कसमां तो भी वास्ते तैयार हाँ। ओदी वजह ए वे तुसी खालिक हो ते असी मखलूक हाँ, तुसी दाता हो ते असी तुहाडे मंगते ते सवालिया। ते सियाने आंदे ने जिदा खाइए, बोलो जिदा खाइए ओदा ही ओदा ही गाइए। अल्लाह तुसी सानू खाण नू देंदे हो, सानू पीण नू देंदे हो, सानू पहनण नू देंदे हो, रहण वास्ते मकान अता फरमाए ने। अल्लाह दुनिया दियां इज्जतां अजमतां नाल मालामाल फरमाया, औलाद दी नेमत नाल सानू हम किनार फरमाया। मेरे मालिक तुहाडा ते हर फरमान बगैर सोचे समझा मन ना साड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन वह केड़ी एडी वड्डी गल है कि सारी कायनात दा रब हो गए तुसा एक नहीं दो नहीं तीन नहीं अल्लाह जी कठिया ही चार कसमां उठाइया ने। मालिक फरमाना की चाहते हो? फरमाया गल बड़ी वड्डी है, मैं चार कसमां चुक के कह रहा ला कद खलक नल इंसान, लकद खलक नल इंसान फी आसान तकवी। मैं सब नालो आला सब नालो सोना इंसान नू बनाया है, और ओदी कुदरत दियां कारागरियां वेखो जे किस तरह अल्लाह ने तखलीक फरमाई है। रेहमे मादर दे अंदर, मां दे पेट दे बंद कारखाने दे अंदर अल्लाह जुल जलाल वली कराम ने कैसियां प्यारियां प्यारियां सूरतां बना, ओदी तखलीक है। कैसे प्यारे प्यारे शक्लां यार फरमाया, कैसे प्यारे प्यारे मुखड़े मेरे रब ने बनाए ने। शकल बच्चे दी पेट माई विच,
ओ शकल बच्चे दी पेट माई विच ओ सच्चे बिना बनावे। इत्थे बड़ा वड्डा कारीगर है, बड़े बड़े वड्डे कारखाने ने, बड़िया बड़िया वड्डिया फैक्ट्रिया ने, उन्हां वास्ते पहला डाइया बनांदे ने, जग बनाने ते पहले डाई बनांदा, गिलास बनाने ते पहले डाई बनांदा, कौली बनानी है ते पहले डाई बनांदा, प्लेट बनानी है ते पहले डाई बनांदा। वाह मेरे आ मालिका, तू बगैर डाइयों ही एडे सोने पैदा फरमा दिते ने। शकल बच्चे दी पेट माई विच ओ सच्चे बिना बनावे। बिन हाथ लाया बिना औजारां, बिन हाथ लाया बिना औजारां, ते कामिल कर दिखलावे। कोई काला कोई गोरा चिट्टा, कोई काला कोई गोरा चिट्टा, ओ कुदरत नाल बनावे। दिन विच रात ते रात दिनां विच, दिन विच रात ते रात दिनां विच, ओ हरगिज फर्क न पावे। अल्लाह जुल जलाल वाली कराम ने बना के ना एडा सोना, ते हुण इहनू शुतर बेमुहार नहीं बना छड़िया। जो जी करे करदा फिरे, जिधर दिल आए मुंह उठा के चला जाए, तेनू पुछण वाला ही कोई ना होवे। नहीं, अल्लाह जुल जलाल वाली कराम ने एदी हिदायत वास्ते अंबिया अलैहिम सलाम नू मबूस फरमाया। जनाबे आदम अलैहि सलाम तो यह सिलसिला जारी फरमाया और चलदा रहा। किते जनाबे शीस आए ने, किते जनाबे नू आए ने, किते जनाबे खलील आए ने, किते जनाबे इस्माइल आए ने, किते यूसुफ ओ याकूब आए ने, किते यहया ओ जकरिया आए ने, किते हूद ते लूत आए ने, किते ईसा और मूसा अलैहिम सलातो व सलाम तशरीफ ले आए ने। लोकां नू ए गल समझाण वास्ते लोगो, ये सारा निजाम बनान वाला कोई है वे ते कौन है? बोलो कौन है? ये सारा निजाम आपे नहीं बन गया, इनू बनान वाला कोई है वे? ये आपे नहीं चलन दिया, इनू चलान वाली कोई जात है वे? ते जेड़ा चलान वाला जेड़ा बनान वाला ओनू रब्बुल आलमीन आखिया जांदा। अंबिया अलैहिम सलाम तशरीफ ले आउंदे रहे और लोगों नू इस बात तो आगाह करते रहे, ते नाल एक अगली बात भी समझन वाली है कि अंबिया अलैहिम सलाम जो सब तो आखर मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शिद आमिना दिलाल हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम। रब्बुल आलमीन ने जिस महबूब दा सानू तुहानू उम्मती बनाया, उस नबी नू ए इज्जतां ते अजमतां नाल माला माल फरमाया कि अंबिया तशरीफ ले आ रहे ने, रब्बुल आलमीन ने ड्यूटी लगाई है, मेरे प्यारे हो तुसा जाना जाके लोगों नू दावत देनी है, हक दे पैगाम देना है लोगों नू हक दा, ते नाल उन्हां नू एक गल दस के आउना है कि आखरी नबी मुहम्मद आउन वाले ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक ही वजह जनाबे ईसा अलैहि सलातो वसलाम आप अपनी कौम नू दावत दे रहे हैं। कुरान ने नक्शा खिंचया, अल्लाह फरमांदे ने वा इज काला ईसा बनो मरियम,
वाइज कालाई सबनो मरियम या बनी इसराइला इन्नी रसूलुल्लाहे इलैकुम मुसद्दिकल्लिमा बैन यदैया मिन तौरात वा मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद फलम्मा जाअहुम बिलबैनात कालू हाजा सिहरुम मुबीन। जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम नू वाज फरमा रहे ने, अपनी कौम नू खिताब फरमा रहे ने, ए मेरी कौम बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम मैं तुहाडे वल अल्लाह दा रसूल बन के आया वा मुसद्दिकल लिमा बैन यदैया मिन तौरात मैं अपने तो पहले आने वाली तौरात दियां तस्दीकां करन वास्ते आया वा मुबशरन ते मैं तुहानु एक खुशखबरी सुनाने वास्ते आया वा बेरसूल एक ऐसे रसूल दे जड़े अजे दुनिया ते आए नहीं वा मुबशरन बेरसूल ऐसे रसूल दियां बशारतां सुनान आया या अती मिम्बादी ओ रसूल आएगा ते मेरे तो बाद ओदा नाम अहमद होएगा। अंदाजा फरमाओ अजे मेरे पैगंबर दुनिया ते तशरीफ ले आए नहीं आप अजे दुनिया ते जलवा घर नहीं होए आप दे तज़करे ते चर्चे अल्लाह ने दुनिया ते पहला फरमा दिते ने ए जनाबे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान दा कौर मकाम सुन लो जनाबे खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह दा घर बैतुल्लाह तामीर कर दिता है ए तामीर तकमीर तक पहुंच चुकी है ते दोवें प्यो पुत्र घर बना के अल्लाह दा ते मालक अगे चोलियां चुक लईयां ने रब अगे दामन फैला लेने कादे वास्ते पैसे मंगन ले कारोबार मंगन ले हुकूमत मंगन ले इक्तदार मंगन ले दुनिया दा दिरमो दिनार मंगन ले कायनात दा सीमो जर मंगन ले नहीं अपने दामन फैला के आंदे ने रब्बाना वजा अल्ला। दुआ करो अल्लाह सारिया नू मक्के लै जा हौली हौली आमीन आंदे हो तुहाडा कोई अजे दिल नहीं करदा पिया आमीन। महंगाई भावें हो ही जल्ली है ते जे रब ने आमीन कबूल कर ली ना तो पैसे भी आपे ही दे छड़े आपे ही सबब ला देगा पैसे पूसे भी आपे ही अल्लाह जुल जलाल अता फरमा देंगे। ये दुआ फरमाओ अल्लाह सारिया नू मक्के भी लै जा मदीने भी लै जा जदों कंदा दिसन मदीने दिया जदों कंदा दिसन मदीने दिया तैवा सारियां ठर दिया सीने दिया दिलों हसद बुगज ते कीने दिया दिलों हसद बुगज ते कीने दिया वावा रगड़ मजाया हुंदियां ने हर पापी दिल दिया हर पापी दिल दिया तो के गया खूब सफाइयां हुंदियां ने जदों रोजाए अतहर नजर पवे जदों रोजाए अतहर नजर पवे दिल बेसबरे नू सबर पवे
जदों रोज़ाए अतहर नजर पवे दिल बेसबरे नू सबर पवे। किस्मतां वाले ने जिन्हां नू अल्लाह मक्के ते मदीने बुला लैंदे ने, ते फिर इस तों भी वड्डे किस्मतां वाले ने जिन्हां नू अल्लाह मौत ही मक्के या मदीने अता कर देंदे ने। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया जिन्हों मौत आ गई ना मदीने अंदर, बंदा कोशिश करे कि मैनू मौत मदीने आ जा। कोशिश करने का मतलब यह नहीं भाई कोठे तो छाल मार के थले तो मौत ले लै, ये नहीं मतलब। मतलब यह वे कि जेड़े कोई कानूनी तरीके ने जे मदीने रह सकता है ते मदीने रह के मौत लभ सकता है, ते जेड़ा मदीने फौत होएगा ओदा सफारशी मैं मुहम्मद बन जावांगा। जदों कंधां दिसन मदीने दियां तैवां सारियां ठर दियां सीने दियां, दिलों हसद बुगज ते कीने दियां वावा रगड़ मजाइयां हुंदियां ने। जदों रोज़ाए अतहर नजर पवे दिल बेसबरे नू सबर पवे, बेनूर अखियां नू नजर पवे, बेनूर अखियां नू नजर पवे, एक दम रुशनाइयां हुंदियां ने। मैं कुर्बान जावां जनाबे खलीलुल्लाह अलैहि सलातो व सलाम ए मक्के च रह के दुआ की थी, मेरे मुस्तफा ने मदीना पाक अंदर जाके दुआ फरमाई। खलीलुल्लाह दुआ की करते ने, रब्बना वजअल्ला मुस्लिमैन लका व मिन ज़ुर्रियतना उम्मतम मुस्लिमतल्ला व आरना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। खलीलुल्लाह अलैहि सलातो व सलाम दोवें प्यो पुत्र ने। ओ शेहूपुरियो मैं एक गल कहा करना वा, इत्थे जेड़े घर च दो मौलवी बन जान उन्हां दी अड्डी जमीन ते नहीं लगदी, संभाले ही नहीं जांदे। तुहानू पता नहीं साडे खानदान च दो मौलवी ने, एक हाफजे कुरान बन जाए, दो तीन चार पांच हाफजे कुरान हो जाए ना किसी खानदान अंदर, ते है वाकई बड़ी खुश नसीबी है। वांदे ने जी साडा ते खानदान ही हाफजां दा। मैं कुर्बान जावां उत्थे गल हाफजां दी नहीं, गल नबियां दी है। जनाबे खलीलुल्लाह अलैहि सलातो व सलाम नू रब्बुल आलमीन ने दो बेटे अता फरमाए ने। किन्ने? दो बेटे, हजरत इस्माईल अलैहि सलाम और जनाबे इसहाक अलैहि सलाम। ये दोनों खलीलुल्लाह अलैहि सलाम दे बेटे, बड़े हजरत इस्माईल और छोटे जनाबे इसहाक। हुण मालिक दी तकसीम वेखो कैसी प्यारी है। बह जाओ तुसी, किते बह जाओ, की तमाशा लाई फिर दे। अचौनियां ठियानियां तुसां इत्थों लिया कट्ठियां करके अगे बाह छड़ियां ने, कोई सियाने सियाने बंदे पहलां बैठिया करो। जनाबे खलीलुल्लाह अलैहि सलातो व सलाम घराना कैसा, दो बेटे अल्लाह ने अता फरमाए ने, हजरत इस्माइल ते जनाबे इसहाक अलैहि सलाम। तकसीम रब दी, जनाबे इसहाक दी लड़ी चो औलाद चो एक दो चार पांच दस भी नहीं, अल्लाह ने सैकड़ों नबी पैदा फरमा दिते ने, सैकड़ों नबी और रसूल। ते जनाबे इस्माईल अलैहि सलाम दी लड़ी चो कोई भी नबी नहीं, हजरत इस्माईल दी नसल चो लड़ी चो कोई नबी नहीं, सिर्फ इक्को ही है। सिर्फ है इक्को ही है, ते है सारिया दा सरदार है,
ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਇਲ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੀ ਨਸਲ ਚੋਂ ਆਪ ਦੀ ਲੜੀ ਚੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਹਨਾ ਜਦੋਂ ਜਨਾਬ ਖਲੀਲੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਖਤ ਜਿਗਰ ਦੇ ਗਲੇ 'ਤੇ ਛੁਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਏਗੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਛੁਰੀਏ ਕੱਟਣਾ ਕੱਟਣਾ या अल्लाह मेरी ते फितरत ही कट देना क्यों ना कटा फरमाया ये भी तैनू पता है तैनू कटन दी फितरत ते ताकत भी मैं ही अता फरमाई है आज कटना नहीं अल्लाह वजह की है राज की है क्यों ना कटा फरमाया मैं इस्माइल नू बचा के रखना है कि एदी लड़ी विचो आमिना दा लाल पैदा करना है कटना नहीं मैं इस्माइल दी नसल चो आमिना दा दुर्रे यतीम पैदा फरमाना है सुभान अल्लाह और वाकियतन रब्बुल आलमीन ने प्यारे खलील अलैहि सलातो व सलाम जेडियां दुआवां कीतियां ने ना अगली दुआ रब्बाना व बअस फीहिम रब्बाना व बअस फीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम खलीलुल्लाह दोवें प्यो पुत्र ते है भी नबी प्यो पुत्र भी ने ते बोलो है भी नबी ते मालिक दे सामने दामन फैलाया और मैं कहांगा रब्बुल आलमीन फरमांदे होंगे प्यारिया मेरा घर तैयार कर दिता ये कुछ मंग ले कुछ मंग ले दोवें प्यो पुत्र मंगन डै ने अल्लाह घर तेरा असां बना दिता ते हुण इथों दा खतीब तू दे दे घर असां बना दिता इमाम इथों दा अल्लाह जी तुसी अता फरमा दियो ते प्यारे खलीलुल्लाह अलैहि सलाम नो रब्बुल आलमीन फरमांदे होणगे प्यारिया खतीब इमाम मैं दे छड़ांगा पर ए दस मकामी चाहिदा है के बैरूनी चाहिदा है मकामी चाहिदा बैरूनी चाहिदा अल्लाह रसूलम मिनहुम मिनू खतीब इना दे विच ते इना दे विचों ही चाहिदा है क्योंकि जेड़ा मकामी बंदा है वह हालात नूं बहुता समझदा है बाहरों आने वाले नूं उत्तों आने वाले नूं हालात दा ज्यादा पता नहीं हुंदा अल्लाह खतीब दे दे इमाम दे दे एक ऐसा होए भी इन्हां दे विच ते होए भी इन्हां दे विचों ते ओ खलीलुल्लाह ने मंग लिया ते अल्लाह जुल जलाल फरमांदे होंगे प्यारिया जेड़ा हीरा तू मंग लिया ओ ते मैं अपने खजाने च पैदा ही इको कीता है जेड़ा हीरा जेड़ा लाल जेड़ा मोती सोने तू मंग लिया ओ ते मैं अपने खजाने च पैदा ही इको कीता पर हुण गल ए वे मैं तुहानू अपना खलील आखिया खलील दा मान है दोस्त ते दोस्ती दे कुछ तकाजे हुंदे ने सियाने आंदे ने कदी मन लो ते कदी मनवा लो दोस्ती दे तकाजे ते ही ने ना कदी मन लो ते कदी मनवा लो मेरे खलील तुसा मंग लिया ना ते गल ए वे तुसा मेरे कह इनिया मेरिया मनिया जे मेरे कहन ते अपने बाप दे सामने कलमे हक आखिया मेरी मन के अपनी कौम दे सामने पैगामे तौहीद रखिया मेरी मन के वक्त दे जालिम ते जाबर हुक्मरान दियां अखां चा
अखां पा के तुसा मेरी वाहदानीयत दा ऐलान फरमाया, मेरी रजा दी खातर सोनियो अग विच तुसा छालां मार दित्तियां। ए मेरे प्यारे खलील, मेरे कहन ते अपनी बीवी ते बच्चे नू तुसा जंगलां च जा रखिया, मेरे कहन ते अपने बेटे दे गले ते छुरी रखन तो भी दरेग ना कीता। ते प्यारिया तू इन्नियां मन लईयां ने, हुण इंज कर, मैं रहमाना तू मेरा प्यारा खलील दोस्त है, हुण तू मंगदा जा ते मैं मनदा जावांगा, हुण तू मंगदा जा ते मैं मनदा जावांगा। फिर मेरे मालिक कोलो मंगिया की है, अल्लाह ऐसा रसूल अता फरमा दे कि जेड़ा इन्हां दे विच होए इन्हां दे विचों ही होए ते वो काम की करे। तीन चीजां दा जिक्र खलीलुल्लाह अलैहि सलाम ने फरमाया, यतलु अलैहिम आयात का, या तो लो अलैहिम आयातिका वायो अल्लमहुमुल किताबा वल हिकमत वायो ज़कीहिम। अल्लाह तीन कामो करे, केड़े? नंबर एक, तेरे यहां ऐतां पढ़ पढ़ के इन्हां नू सुनाए, अल्लाह जी तुहाडियां आयतां पढ़ पढ़ के इन्हां नूं सुनाए। वायो अल्लमहुमुल किताब वल हिकमा, अल्लाह इन्हां नूं किताब व हिकमत दा इलम सिखलाए। वायो ज़कीहिम, अल्लाह इन्हां दे दिलां नूं बुतां दी पलीदी तो पाक ते साफ कर देवे। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। हुण ओह जिहड़ी मैं इब्तदा च आया मुबारक पढ़ी है ना, अल्लाह ने उत्थे भी तिन्ना चीज़ां दा जिक्र फरमाया, यतलु अलैहिम आयातिहिम वायो ज़कीहिम वायो अल्लमहुमुल किताब वल हिकमा वा इन कानू मिन कबलो लफी ज़लालिम मुबीन। हुण कुरान दा एक होर मकाम सुन लो, उत्थे भी अल्लाह ने इन्हां तिन्ना चीज़ां दा बतौरे खास तज़किरा फरमाया। ते नाल इस तों भी एक बड़ी वड्डी गल दसी है, फरमाया लकद मन अल्लाहु अलल मोमिनीन, असा मोमिना ते एहसान फरमाया। कैसा प्यारा इनाम ते एहसान, मेरे आका अलैहि सलाम दी आमद तो पहला अंधेरे अंधेरे, शिरक दे अंधेरे, बिदात दे अंधेरे, खराफात दे अंधेरे, अल्लाह दियां नाफरमानियां दे अंधेरे, और इन्ना अंधेरे आ जाके मेरे पैगंबर ने तौहीद व सुन्नत दे चिराग रोशन फरमा दिते। और आए किंज ने, मक्के चन चढ़िया जग लो होई, मक्के चन चढ़िया जग लो होई, मक्के छेहुपुरियो मक्के चन चढ़िया जग लो होई, ते सोना कुफर दी रात मिटान आया, राओ भुलिया जांदियां राइयां नूं, राओ भुलिया जांदियां राइयां नूं, ओ गली बाग बहिश्त दिखान आया। गोते खान बहरे ज़ुलुमात अंदर, गोते खान बहरे ज़ुलुमात अंदर, हाथ फड़ सोना बन्ने लान आया,
और सानू दियो मुबारका आन लोगो सानू दियो मुबारका आन लोगो ओ साडे सुते नसीब जगान आया कौन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह जिथे तेरे पाक पैगंबर लेटे ने उन्हां दे रोजे पाक ते करोड़ा रहमत नाजल फरमाना ते साडे वल्लों करोड़ों अल्लाह दरूद ओ सलाम दियां बारशां नाजल फरमाना। रब्बुल आलमीन ने भी तिन्ना चीजां दा इत्थे जिक्र फरमाया। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने लकद मन अल्लाह अलल मोमिनीन असा मोमिना ते एहसान फरमाया। और नबी पाक वाला जेड़ा एहसान है ना एक काफरां वास्ते नहीं मुशरकां वास्ते नहीं अल्लाह दे ना फरमाना वास्ते नहीं ए एहसान है ही मनन वाले वास्ते। दुआ करो हाँ अल्लाह सानू महबूब दी हर गल मनन दी तौफीक अता फरमा दे। लकद मन अल्लाह अलल मोमिनीन असा मोमिना ते एहसान फरमाया। सुभान अल्लाह इनाम रब्बुल आलमीन ने जतलाया हालां बाकी सारा जान वेख लो कुरान भरिया बे अल्लाह दियां नेमतां नाल और इन्नियां रब दियां नेमतां ने कि खुद रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक दे अंदर फरमाया وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اوئے تسی میرا شکریہ تے کی ادا کرنا ہے تسی تے میریاں نعمتاں گن ہی نہیں سکدے اونا دا شمار ہی نہیں جے کر سکدے۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اسا مومناں تے احسان فرمایا۔ سبحان اللہ اللہ نے کتے نہیں جتایا میں آسمان تے برتے سات آسمان بنائے نے تے ایڈا وڈا لینٹر پایا تہاڈا ہال پنجی ستائی فٹ دا تے وچ دو پلر آئے نے ہال تہاڈا سو ڈیڑھ دو سو فٹ دا کاریگر دس دے وچ اینے بیم پہن گے ایسے وچ پلر آن گے۔ میرے رب نے ایڈا وڈا لینٹر پا چھڈیا آسمان دا تے پھر سنگل سٹوری نہیں کیوں جی سنگل سٹوری سنگل سٹوری نہیں ڈبل بھی نہیں ٹرپل بھی نہیں کنیاں نے سات منزل۔ سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے انہاں دا دعویٰ کہ اسی چاند تک پہنچ گئے ہیں ساڈے گوانڈی بھی آندے نے اسی بھی پہنچ گئے ہیں اون جو اتھے جا کے سگنل ڈراپ ہو گئے انہاں نے چاند تک پہنچ گیا سورج دے نیڑے نے پہنچے ہیں اسی پر اج تک بڑے تو بڑے سائنسدانوں اے نہیں پتا آسمان دا چھت شروع کتھوں ہوندا ہے تے ختم کتھے ہوندا ہے کوئی نہیں جان۔ اللہ نے نہیں جتلایا میں تواڈے واسطے آسمان تے سورج چاڑنا وا تواڈے واسطے چن چاڑنا وا تواڈے واسطے ستارے چمکانا وا اللہ نے کتے نہیں جتلایا۔ اچھا پھر انسان صرف اپنے پانچ چھے فٹ دا جڑا وجود ہے اے دے تے نظر دوڑا لیا اللہ نے کتے نہیں فرمایا میں اکھاں دے کے تانوں بڑا وڈا احسان کیتا میں کان دے کے بڑا وڈا احسان کیتا میں دل اور دماغ جیسے خزانے ہیرے عطا فرما کے میں بڑا وڈا تواڈے تے احسان فرمایا کتے نہیں فرمایا۔ رب العالمین نے ایتھے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین ماشاءاللہ۔ حافظ محمد عثمان خالد حافظہ اللہ اللہ نے سیتنا لمبی زندگی عطا فرمائے۔
ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਨੇ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾਏ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਤਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾ ਔਹਾ ਰੱਬੋ ਕਾ ਇਲਨ ਨਾਹਲੇ ਅਨਿਤਾਖਜ਼ੀ ਮਿਨਲ ਜਬਾਲ ਬਯੂਤਨ ਵਾ ਮਿਨ ਸ਼ਜਰੇ ਵਾ ਮਿਮਾ ਯਰਸ਼ੂ। ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਸ਼ੇਹੂਪੁਰੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ 2-4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ 1-1.5 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਖੀ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਕੋਈ 2-2.5 ਮਨ ਨਹੀਂ, ਮੱਧ ਜਿੱਡੀ ਨਹੀਂ, 2-2.5 ਮਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਐਡੀ ਕੁ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ, ਐਡੀ ਕੁ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ। ਫੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੀ ਏ, ਫਲਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੀ ਏ, ਉੱਥੋਂ ਰਸ ਨਿਚੋੜਦੀ ਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਛੱਤੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਂਡੇਲਦੀ ਏ। ਇਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਲੇ ਖੁਦ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੀ ਸ਼ਿਫਾ ਉਲਿਨਾਸ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ਿਫਾ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸੋ ਕੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੋਟ ਕੇ ਛੋੜ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹਕੀਮ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਹੈ ਜੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ੇਖੁਲ ਹਦੀਸ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੁਫਤੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕੋਈ ਨੁਸਖਾ ਹੀ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਪਿਲਾ। ਗੈਸ ਸ਼ਹਿਦ ਪਿਲਾਇਆ, ਵਾਪਸ ਆਏ ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਹਜ਼ੂਰ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਪਿਲਾ। ਫਿਰ ਗਿਆ, ਸ਼ਹਿਦ ਪਿਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਸੋਹਣਿਓ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਪੇਟ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਪਿਲਾ। ਗਏ, ਸ਼ਹਿਦ ਪਿਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਓ ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਸੱਚ ਫਰਮਾਇਆ, ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸਾਂ ਮੱਖੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਛੱਤੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਸ ਨਿਚੋੜਿਆ, ਉਂਡੇਲਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਜ਼ਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਫਰਮਾਓ ਨਾ, ਹੈ ਕਿੱਡੀ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਕਿੱਡੀ ਮਿੱਠੀ, ਏਡਾ ਮਿੱਠਾ ਸ਼ਹਿਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਸ਼ੈ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਏਡਾ ਮਿੱਠਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁੜ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਏਡਾ ਮਿੱਠਾ ਜਿਵੇਂ ਚੀਨੀ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਸਾ ਮੱਖੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਹੁਣ ਏਡਾ ਮਿੱਠਾ ਸ਼ਹਿਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਫਾਈ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦੀਏ ਤੇ ਨਾਨਕੇ ਚੇਤਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਕਲ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਤਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਨਾਮ ਫਰਮਾਇਆ। ਔਰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿਲ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ,
तारियां दे बल दे नी चराग तेरे वास्ते। और बंदिया गौर करिया कर, तारियां दे बल दे नी चराग तेरे वास्ते, मेवियां दे पक्के होए नी बाग तेरे वास्ते, अंब तेरे लई ने अनार तेरे वास्ते, केला हरी छाल दा तैयार तेरे वास्ते, मज्जां दुध देंदियां सफेद तेरे वास्ते, मक्खियां बनांदियां नी शायद तेरे वास्ते, का उते पेंदिया तरेल तेरे वास्ते, रात दिया रानिया रवेल तेरे वास्ते, और की नहीं कीता रब ने कबूल तेरे वास्ते, आमिना दे लाल जया रसूल तेरे वास्ते। कमले आई इंसाना की नहीं कीता रब ने कबूल तेरे वास्ते, आमिना दे लाल जया रसूल तेरे वास्ते, लखा नालों चंगाई अरबा नालों चंगाई खरबा नालों चंगाई एहसान किरदगार दा, फिर ओदा बंदिया तू शुकर नहीं गुजारदा। अल्लाह जुल जलाल वली कराम इत्थे भी ना तिन्ना चीजां दा जिक्र फरमाया, लकद मन अल्लाहु अलल मोमिनीन इस बासा फीहिम रसूलम मिन अनफुसिहिम यातलु अलैहिम आयातिही वायो जकीहिम वायो अल्लमुहुमुल किताब बवल हिकमा वाइन कानू मिन कबलो लफी जलाल मुबीन। मैं ऐसा नबी मबूस फरमाया, तीन कम दिलानू साफ करन वाले, कुरान दियां आयात दी तिलावत करके सुनान वाले, और इल्मो हिकमत दे मोती बखेरन वाले, हिकमत नाल दनाई नाल लोगां नू अल्लाह जुल जलाल दे जन्नत दी तरफे बुलाने वाले। मेरे भाईओ प्यारे पैगंबर अली सलातो व सलाम आप दियां तीन जिम्मेदारियां अल्लाह जुल जलाल वली कराम दी तरफों लगाईयां गईयां, और साडा ईमान और अकीदा के नबी अलैहि सलातो व सलाम ने ये तीनों जिम्मेदारियां 100% तो बढ़ के इन्हां नूं पूरियां कीता और इन्हां दा हक अदा फरमाया। अल्लाह ऐसे अजीम नबी दा सानू सच्चा ताबेदार बनाए, और किताब व सुन्नत दे मुताबिक जिंदगी बसर करन दी तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका।